बिलियन डॉलर का भारत पे कर्ज था, जो फिलहाल बढ़कर 557 बिलियन डॉलर हो गया है, यानी 111 बिलियन डॉलर इस बीच में कर्ज और बढ़ गया, विदेशी कर्ज। अब इसके बाद पूरी फेस्ट आइए, भारत के भीतर की स्थिति क्या है, एक झटके में जरा समझिए। एयर इंडिया 6000 करोड़ के नुकसान पर, वोडाफोन 50000 करोड़ के नुकसान पर, एयरटेल 23000 करोड़ के नुकसान पर, बीएसएनएल 14000 करोड़ के नुकसान पर, एमटीएनएल 755 करोड़ रुपए के नुकसान पर, भारत पेट्रोलियम 750 करोड़ रुपए के नुकसान पर, सेल 286 करोड़ रुपए के नुकसान पर, स्पाइसजेट 463 करोड़ रुपए के नुकसान पर, भेल 219 करोड़ रुपए के नुकसान पर, इंडिया पोस्ट 15000 करोड़ के नुकसान पर, जीएमआर इंफ्रा 561 करोड़ रुपए के नुकसान पर, यस बैंक 600 करोड़ के नुकसान पर, यूनाइटेड यूनियन बैंक 1190 करोड़ रुपए के नुकसान पर, पंजाब नेशनल बैंक 4750 करोड़ रुपए के नुकसान पर, एक्सिस बैंक 112 करोड़ रुपए के नुकसान पर। ये तो नुकसान की एक फहरिस्त थी। जेपी समूह खत्म हो गया, समाप्त हो गया, वीडियोकॉन दिवालिया हो गया, एयरसेल डोकोमो मर चुके हैं, जेट एयरवेज बंद हो चुका है, भारत के जो हवाई अड्डे हैं 7 हवाई अड्डे अडानी को दिए जा चुके हैं, बंदरगाह 2 बंदरगाह दिए जा चुके हैं, रेलवे अब बिक्री के रास्ते पर है, जो लाल किला है, जो विरासत है हमारी, उसको किराए पर दिया जा चुका है, जो बैंकों का विलय है उसमें देश भर में तकरीबन 6000 से छोटे बड़े जो दफ्तर चलते थे वह बंद हो चुके, अभी तक निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन मर्जर के बाद उनको बंद किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, जिस तरीके से बीएसएनएल और एमटीएनएल की अब ऑफिसेस जो है उसको किराए पर दिया जा रहा है, बेचने की तैयारी हो रही है, एटीएम के कमरों में कमी, देश भर में लगभग 25% की कमी आ गई है, 36 सबसे बड़े कर्जदार से मतलब यह होता है 5000 करोड़ से ज्यादा जिन्होंने कर्ज लिया, जो बैंक में था, जो हमारा और आपका पैसा था, उस कर्ज को लेकर वो देश से फुर्र हो गए, उड़ गए, ऐसे 36 बड़े कर्जदार हैं, कुल तादाद ऐसे कर्जदारों की लगभग 6000 से ज्यादा है जो फरार हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कॉरपोरेट को 2.5 लाख करोड़ यानी 2,40,000 करोड़ का कर्ज माफ भी किया गया। बीएसएनएल के जो लगभग 79,000 कर्मचारी हैं वीआरएस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, उनको पैसा अप्रैल से कैसा मिलेगा, सरकार के पास पैसा नहीं है। इन सब के बीच में ऑटो इंडस्ट्री 1 बिलियन डॉलर के नुकसान पर आ गए, रियल इस्टेट 30 शहरों में लगभग 12,76,000 घर बनकर खड़े हैं, कोई खरीदार नहीं है, कार फैक्ट्री में 55,000 करोड़ का कार स्टॉक में पड़ा हुआ है, कोई खरीदार नहीं है, मारुति का प्रोडक्शन डाउन हुआ, शिफ्ट कम करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी, जो हिंदुस्तान एरोनॉमेटिक लिमिटेड है, एचएएल है, उसके कर्मचारियों को रेगुलर वेतन नहीं मिल पा रहा है, ओएनजीसी जो सबसे लाभ वाली कंपनी होती थी वह भी नुकसान में आ गई है, और इस परिस्थिति के बीच में हर कोई जानता है बेरोजगारी चरम पर है, घरेलू तनाव इस देश के भीतर में चरम पर है, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है खुदकुशी में किसान के समानांतर और उसको आंकड़े को पार करती हुई ग्रामीण महिलाएं हैं, इस देश का युवा है बेरोजगार, इनके आंकड़े किसानों को भी पार कर गए हैं, असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी चरम पर है, वहां पर स्थिति ध्वस्त हो रही है, सार्वजनिक उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने मुश्किल वेतन की आ गई है, क्योंकि उनसे कहा जाता है तो घाटे में चल रहा है, जब बिक जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, एक ऐसी स्थिति आ गई है, और इन सब के बीच जो भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की तादाद जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे थे, वो अगर देश छोड़कर जा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये कौन सी परिस्थिति देश के भीतर बनाई गई है, और नागरिकता के सवाल में बार बार संसद से लेकर सड़क तक सरकार यही कहती है, हम किसी को निकालना नहीं चाहते हैं, हम तो लाना चाहते हैं, जो रिफ्यूजीज भारत के भीतर हैं और जो माइग्रेंट्स हैं, हम